सामना करने के लिए तैयार अशरफ। आई कैन सी इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बीट हुए। आज के मैच के चीफ गेस्ट उनके हमला एसएसपी किश्तवाड़, वो भी श्रद्धांजलि पेश करते हुए वहां पे। वो कुछ नसीब अलोप होते हैं। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि ये टूर्नामेंट डीवाईएसपी अमन मेमोरियल टूर्नामेंट जिसने शहादत पाई थी 24 फरवरी 2019 को। पहली गेंद वन चेस की राइट हैंड ओवर के सीनियर की जानिब से, पहली गेंद अच्छी गेंद के पकड़ने के बाद अंदर की जानिब आई, बैटर पैड के साथ मिलाते हुए बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल जो सबसे ज्यादा जहां से पहचान होती है क्रिकेट की, आपका डिफेंस कितना सॉलिड है। विनान मलिक का उसमें लाजवाब है। राहुल द्रविड़ की तरह मुझे याद है कि श्रीवास्तव ने कहा था कि हम जहां भी गेंद मारते, मैंने कहा धवन उन्होंने पूछा भी था राहुल द्रविड़ से क्या आपका बल्ला 6 फुट चौड़ा है। एक बार फिर से राइट हाफ आउट विकेट, आई कैन सी अच्छी गेंद। श्रीवास्तव ने सवाल पूछा था राहुल द्रविड़ से क्या आपका बल्ला 6 फुट चौड़ा है, कि जहां भी मैं गया हम गेंद फेंकते वहां आपका बल्ला आगे आ जाता है गेंद के, उस प्लेयर की क्लास ही कुछ आगे अलग थी। दो क्रिकेटर जो इंसानों से दूर क्रिकेट खेले हैं, एक तो सचिन रमेश तेंदुलकर का गॉड ऑफ क्रिकेट और राहुल द्रविड़, और सीख यहाँ के क्रिकेटर्स को उनसे लेनी चाहिए। लेकिन आज कौन हारेगी, जो बिहार रहेगी वो ट्रॉफी लेकर घर जाएगी। एक बार फिर से अशरफ सीनियर की जानिब से सामना करेगा सुरेंद्र। टॉप कैच और गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जो कंटेस्ट इन दो में से जीतेगा वो टीम भी लगभग जीत जाएगी। आबिद पठान वर्सेस इनाम मलिक, आई गेंद की गेंद को खूबसूरती के साथ खेला है, शॉट मिड ऑफ की जानी वहां फैजान मौजूद, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। एक रन की मदद से अब स्कोर पहुंचा है 9। गेंद की शाइन को बरकरार रखते हुए दो गेंदे, ना मलिक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए वहां पे अपनी टीम के लिए। फिर से आबिद पठान सामना करने के सोचे, आई गेंद की अच्छी गेंद लक्ष्य से काफी ज्यादा बाहर, लेकिन अंपायर का इशारा किया हुआ। आबिद पठान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, आई गेंद की बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बीट हुए। गेंदबाजी कराते हुए आबिद पठान, काफी कुछ निर्भर करेगा इन दोनों बल्लेबाजों पे। ठोस शुरुआत एक मजबूत बुनियाद के पास से चली गई, लेकिन क्या
शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंबा अपने लिए कदम पेश किया फैजान ने। On the fall is a killer. Cops are a shot. Lajavab shot. Kalak shot. Airport and Vidal and Charan. जानते हैं उनकी विकेट की अहमियत ऑस्ट्रेलिया किश्तवाड़ के लिए क्या है। अब क्रीज पर है, स्कोर बोर्ड को भी चलाए रखेंगे। अशरफ तीसरी बार लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया गेंद, अच्छी गेंद से टैच किया, अच्छी बल्लेबाजी यहां पर सोहेल शेख की जाने से भी देखने को मिली। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे और दोनों बल्लेबाज इस एक रन की मदद से स्कोर पहुंचा है। अच्छा रन, तीसरा ओवर जो है वो प्रगति पर है। अच्छी शुरुआत, नियम नियम शुरुआत देने की कोशिश यहाँ पे दोनों बल्लेबाज की तरफ से। अच्छा शॉट, बेहतरीन फील्डिंग पास है और कप्तान माजिक की तरफ से देखने को मिली। अपनी टीम को विकेट की दरकार है, लेकिन इनाम मालिक ये आसानी से विकेट देने वाला नहीं है। अच्छा शॉट, लेकिन अच्छी बैलिंग। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। समझदारी से थोड़ी क्रिकेट खेलते हुए खेला है, लेकिन बीच में अरे वहां पे ऐसे सर सरकार
Yeah.
होता हुआ कटवाड़ के खूबसूरत से चौहान में फाइनल मैच इस टूर्नामेंट का काफी खेल के बाद यहाँ पर हिस्ट्री इतिहास रचा था वहाँ पर अश्रारा की टीम ने। इससे पहले शेखर कोरा ने वहाँ फाइनल लाया था लेकिन यहाँ पर
काफी ज्यादा ब्लास्ट अच्छी गेंद की जाने से राइट आर्म आउट होकर अंपायर को क्रॉस किया गया कि अच्छी गेंद हल्के हाथों से कैच किया उसे शॉट बिल्कुल जाली को हमारे कप्तान मौजूद होने का प्रयास किया लेकिन अभी भी बल्लेबाजी में दमखम बिल्कुल बाकी है। सलीम शेख सिंगल हैंडेडली कई बार हमने देखा इसको वन मैन आर्मी का काम करते हुए बल्लेबाज है लेकिन किसका दिन होगा कौन आज खेलेगा तीन रन खर्च किए हैं और दो विकेट चटक चुके हैं बिल्कुल वजीर की जैसी गेंदबाजी वजीर ने तो आज कमाल की गेंदबाजी की द मैन विद द गुड आर्म लेकिन लाजवाब गेंदबाजी आदिल वानी भी एक बार फिर से राइट आर्म आउट विकेट चौथी गेंद लेकर अंपायर को क्रॉस किया लेकिन लेकिन सोच रहे होंगे एक ओवर को जो ओवर आया था निशा राणा का 23 रन उन्होंने खर्च किए थे 18वें ओवर में। आदिल वानी एक बार फिर से सीधी हैंड की जानिब से उनका सामना करेंगे पहली बार सलीम से पूरी तरह से फील करते हुए कीपर खाने के दफ्तारे में लेकिन आप अभी नए आए हैं जैसे जैसे निगाहें दबेगी सलीम से की तो ग्राउंड के चारों तरफ आप खिलाड़ियों को नाचते हुए देखेंगे नाच नचाएंगे अगर वो क्रीज पर रहे ना तो फिर तो आप नाचेंगे। अंतिम गेंद इस ओवर की आदिल वानी गेंदबाजी कराती हुई सीधी रन की जाने से स्लिप प्ले पर एक गोल अपने तोड़ा है विकेटकीपर के साथ साथ में बिल्कुल बाउंड्री लाइन की रेखा के पास स्लिप अब लगा दी गई है अभी भी अटैक करते हुए वहां पे कप्तान माजिद हुसैन बैकवर्ड पॉइंट कवर 30 सुपर कवर है लॉन्ग ऑफ बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे बल्लेबाज है आकर्षक ताबड़तोड़ क्या मैच देखने को मिला करोड़ बिल्कुल है अपनी जगह पे खड़े हो चुके इतना रोमांचक मैच कहां आपको देखने को मिलेगा एक बार फिर से आबिद पठान लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी कराते हुए सामने सलीम शेख आई गेंद की प्रयास बीट हुए पूरी तरह से अच्छी तेजी इस बार अच्छा मिश्रण आबिद पठान की जानिब से लेकिन कहानी फिर से अभी मैं कहूंगा अभी बाकी है सलीम शेख पे काफी ज्यादा जिम्मेदारियां रहेंगी यहां से मैच को जिताने के लिए एक बार फिर से आप इधर लेफ्ट आर्म आउट आएगा अच्छा शॉट हवाई डिशन में तो अमित विकेट की जाली बहुत खराब बॉल आउट है आज नमस्कार उन्होंने गेंद को फेंक दिया एक ही रन से संतोष अच्छा तो शाबाश शाबाश मुसावर एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा इसके एक रन की मदद से स्कोर अब जहां पहुंचा है 84 रन 84 था बदला सा विकेट 14 ओवर इज इन प्रोग्रेस अभी यहां से चाहिए धुएंधार बल्लेबाजी ताबड़तोड़ तू चलते में आया एक बार फिर से आबिद पठान लेफ्ट आर्म आउट दिखाया गया कि अच्छी गेंद ने कट किया है लेकिन सीधा वहां खिलाड़ी के हाथ में अच्छी गेंदबाजी कराते हुए आबिद पठान मैं आपको बता रहा चलूं कि ये पहला ओवर जो ने किया था एज ए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के रोक पर किया था लेकिन इनकी जो मजबूती है वो है स्पिन गेंदबाजी नचाते वहां बल्लेबाज को जैसे आज वजीर ने नचाया लचाया भी और नचाया भी एक बार फिर से आबिद आई गेस की अच्छी गेंद अब ब्लैक होल में बैट बैट के साथ मिलाते हुए वापस खेला ये फटाफट क्रिकेटर तू चलते में आया वैसे के लिए
आप आदिल वाणी की तरह नौ गेंदों पर दीजिए 30 रन और जाइए वापस, गेम कीजिए एक साइड, पेंडुलम मोमेंटम गेंद का शिफ्ट कीजिए। इसी अगली गेंद करा रही है, अच्छी गेंद, अच्छी पकड़ने के बाद बाहर की जाने स्पिन हुई, तो यो एक खूबसूरत ओवर, अंडा ओवर आदिल पठान का समाप्त हुआ। शिफ्ट किया था अशरफ राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करने के लिए तैयार सलीम से, अच्छी गेंद पर इंद्रियन से लेकर आई शॉट में डिग्री जाने, वहां मौजूद है कप्तान वॉरियर्स के माजिद, उनने गेंद को फील किया एक ही रन से संतोष, लेकिन हौसले अभी मत हारिए, हमने देखा था 18 गेंदें 36 रन, फिर डिविलियर्स ने 3 गेंदें बकाया रखी थी। मैं कह रहा हूँ फाइनल बाहर को इनके पास दम नहीं मिला, मुझे ऑप्शन मारे मैं करूंगा ऊपर ही, आप टापे पे करवा जाता, अगर आएगा ऊपर ही बचेगा। गेंदबाजी कराते हुए गेंदबाजी का लाजवाब की थी आज वजीर ने, बड़े मैच का खिलाड़ी बड़े मैच में परफॉर्म करता है। एक बार फिर से अशरफ राइट आप और विकेट सामना करेंगे, एक बार से गेंद बैट को जाकर टकराई, एक बार और से चार से गेंद दिया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सलीम शेख की तारीफ, वो चाहते हैं कि मैं सीधा खिलाड़ी हूँ, हमें बाकी में चमेट रहे थे और वो स्ट्राइक बचाना चाहते हैं, वैसे ही कुछ किया, एक सिंगल के लिए बनाया आपने क्वार्टर को, अच्छा रिस्पॉन्स दिया वहाँ पे, इसकी टांग ही नहीं चल रही है, ठीक है मैं ऊपर ही कर रहा हूँ, नहीं बज रहा हूँ छोटे पे ही वेट कर रहा हूँ। 15वां ओवर ये प्रगति पर, बाहर से ला बाहर से, अशरफ एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार, सलीम शेख राइट आर्म ओवर द विकेट सलीम के लिए, दो बॉल उतर गई तभी मैंने बोला, क्या रखता है ये फाइनल, सबसे बड़ी लीग है इस साल की, चुनावी जनता से जाती है साल का पेश किया, बैटमैन का बड़ा पेश किया, एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा, मैं कर रहा ना कर तू यार, मैं तो कर रहा हूं मैं तो मैंने करना ही नहीं होता, फाइनल फाइनल में उधर से जोकर मार दो, चलो ठीक है डालो मुझे क्या, मैं ऊपर ही चला रहा हूं पानी का, इधर का थोड़ा सा भाई बाहर इस मैच में पेंडुलम बदले हैं, मोमेंटम शिफ्ट हुए हैं, अरे पांव से थोड़ा के बाद क्या दिशा का मोमेंटम अपनी तरफ शिफ्ट करेंगे, इस साल की सबसे बड़ी लीग चुनाव रीजन में खेली गई वो था बीपीएल, उसके फाइनलिस्ट उसके चैंपियन है अस्त्रारिया किश्तवाड़, अशरफ राठौर राइट आर्म ओवर द विकेट थ्री डी एन की जानिब से बाहर को क्रॉस किया, लेकिन सकता काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा यकीनी तौर पर बहुत बड़ी वाइड, रन की मदद से स्कोर पहुंचा 88, तू नहीं मानेगा वो यहाँ पे महंगे नजर आते हुए, इसका लांगान और मैदान काफी सचिन का पिटाई हुई थी, खाए थे अशरफ राठौर एक बार फिर से स्टार्ट पट के लिए, अच्छी होगा दूसरे रन के लिए पलटते हुए लगता है इसके रूप में, रन एक गेंद आना बाकी उसके बाद होगा, एक गेंद आना बाकी अभी समझ उसके बाद होगा, स्पेड से टाइम आउट 5 मिनट का, मैं आपको फिर से याद दिलाता चाहूँ जो लेट जिन्होंने रुक गया आज मैदान की तरफ, आए सुबह जब सबका छिक्का उछला था खेला था कप्तान माजिद के पक्ष में, किशोर वॉरियर्स के वो कप्तान है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने मुकम्मल 20 ओवर खेलते हुए 152 रन बनाए, 153 रनों का हदफ किया ऑस्ट्रेलिया किश्तवाड़ के सामने, ओपनिंग बल्लेबाजों ने शुरुआत दी थी इनान मलिक और
तो शेख ने उसके पांच इनिंग को सवारा सजाया था मुबशर शेख ने, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने कुछ नहीं किया। अगली गेंद एक रन की मदद के बाद 15 ओवर की समाप्ति के बाद पहली गेंद कराने के लिए तैयार आदरवानी आए गेंद की आज की गेंद के साथ वहां पे अच्छा अरे बॉल देखने को मिला ऐसा नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं पूरा की अच्छी गेंद हाजिर की जा रही थी पूरी तरह से गेंद के विकेट कीपर के दस्ताने में पड़ेगी यहाँ पर असराय की टीम को।
यार ये प्लेयर ही ऐसे यार टेढ़ा यार उल्टा बाकी है उसी पाची अंदर कौन बैठेगा फिर तीन ही है तो तीन ही है ना फिर अंदर कौन बैठेगा ना ना काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने 11 गेंद और 43 रन।
सामने देखना थोड़ा एक सौ उनसठ रन बनाए और मजबूत तौर पर नौ विकेट के साथ लिए। रुकना सर, सामने देखना। ट्रॉफी हासिल कर रहे हैं। सामने देखना सर। जिसने अपने देश के लिए शहादत पाई 24 फरवरी 2019 को डीवाईएसपी अमन ठाकुर। जबरदस्त खेल का मुजाहरा पेश किया आज पूरी टीम ने। आज के मैच के इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोरर भी रहे, लेकिन क्या जबरदस्त खेल का मुजाहरा पेश किया। तो ये थे इस टूर्नामेंट के चैंपियन कप्तान। एक फोटो यहाँ पे लेते हुए इनके हमला यहाँ पे है डीआईजी चुनाव रेंज एस एस पी किश्तवाड़ और सीओ आईआर 22nd बटालियन सीओ ग्रैंड फिनाले में रनर अप लेने के बाद फोटो लेते हुए माजिद भाई सर सामने सर सामने एक मिनट जान खाई है यार। मैंने भी फोटो ली ना, मैं थोड़ी खेल रहा हूँ सर। एक मिनट सर सामने एक मिनट। सावन ये तो राजा जो है वो टूर्नामेंट लेकर आ रहे हैं और कल से 24 टीमें